नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रही। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। लेकिन निधन से पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसे पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा याद रखेंगे। दरअसल सुषमा स्वराज ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने जो ट्वीट किया था वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुषमा स्वराज ने अपने निधन से पहले ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने आगे लिखा था कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच, आई वॉज वेटिंग टू सी दिस डे इन माई लाइफ टाइम। दरअसल सुषमा स्वराज का ये जो ट्वीट था, ये जो उनका बयान था, वो उनके निधन से बस महज कुछ घंटों पहले का ये बयान था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी बधाई दी थी और कहा था कि मैं जीवन भर इसका इंतजार कर रही थी। जाहिर है कि इस ट्वीट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी भावुक हुए होंगे। दरअसल सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रही। उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है, जिसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। बीजेपी के नेताओं में भी शोक की लहर है। दरअसल सीने में दर्द की शिकायत के बाद 67 वर्षीय सुषमा स्वराज को मंगलवार की रात 9:35 पर एम्स लाया गया था। एम्स आने के बाद डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने अंतिम ट्वीट में ही कश्मीर पर सरकार के कदम के लिए प्रधानमंत्री को मोदी को उन्होंने अपने अंतिम ट्वीट में कश्मीर पर सरकार के कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। सुषमा स्वराज के निधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेता देर रात एम्स अस्पताल पहुंचे। सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार बुधवार यानी कि आज 2:00 PM लोधी रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। इससे पहले पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए भाजपा मुख्यालय में रखा गया है। भाजपा की ओजस्वी वक्ताओं में शुमार सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला छावनी में हुआ था। 1977 में महज 25 साल की उम्र में वह हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गई थी और उसके बाद लगातार उपलब्धियां उनके कदम चूमती रहीं और वो विदेश मंत्री तक बनी देश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर तारीफ किया करते थे सुषमा स्वराज की, और उन्होंने सुषमा स्वराज के निधन के बाद भी ट्वीट किया है और कहा है कि ये मेरे लिए निजी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ये कहा है कि देश ने एक प्रिय बेटी को खो दिया। आपको बता दें कि दरअसल राज्यसभा और लोकसभा में कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का जो बिल है वो पेश किया गया, उसके बाद उसे पास भी करा लिया गया। अब धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके साथ ही साथ लद्दाख को कश्मीर से अलग करके उसे भी अलग से यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी बात से सुषमा स्वराज काफी खुश थी। वो पीएम नरेंद्र मोदी को ट्विटर के जरिए उन्होंने बधाई दिया था और कहा था कि मैं जीवन भर इसका इंतजार कर रही थी। जाहिर सी बात है, पीएम नरेंद्र मोदी को किया गया सुषमा स्वराज का यह आखिरी ट्वीट खुद नरेंद्र मोदी को बहुत याद रहेगा। जाहिर सी बात है कि अब सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं रही। उनका अंतिम संस्कार आज ही होना है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।